नमस्कार, स्टडी टू लर्न विद मिस्टर रोज चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सौरमंडल के फर्स्ट पार्ट में सन के बारे में अध्ययन किया था और इस वीडियो में हम सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह मरकरी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम में मरकरी, यहाँ पे मरकरी शो किया हुआ है। तो ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। मरकरी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। मरकरी की स्थिति अगर हम सौरमंडल में देखें तो सबसे पहला ग्रह आप यहाँ देख सकते हैं मरकरी है। यहाँ पे सन के सबसे नज़दीक ग्रह है। मरकरी से जस्ट आगे सूर्य से दूर जाने पे जो दूसरा ग्रह आता है वो शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद में यूरेनस और सबसे लास्ट में नेपच्यून। तो ये इन ग्रहों का क्रम है जो सूर्य से दूर जाने पे आता है। तो आज हम मरकरी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और यहाँ सौरमंडल में आप देख सकते हैं कि मरकरी सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है और आकार में सभी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। यानी अगर हम सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो बृहस्पति, उसके बाद में शनि और ऐसे क्रम आते आते सबसे लास्ट में आठ ग्रह में सबसे छोटा ग्रह यही है। क्योंकि शुरू के ये चार पिंड यानी जो शुरू के चार ग्रह हैं उनको हम पार्थिव ग्रह बोलते हैं इन, क्योंकि ये सब चट्टानों से निर्मित है। तो हमारा जो बुध ग्रह है वो भी एक चट्टानी पिंड है, चट्टानों से बना हुआ है और सूर्य के नजदीक होने के कारण ये इसका जो परिक्रमण काल है वो सबसे तेज है। यानी सबसे तेज ये परिक्रमा करता है सूर्य की, क्योंकि इसको कम दूरी तय करनी पड़ती है। तो इसका परिक्रमण काल जो है 88 डेज का है और ये एक्स पे अपने एक्स पे रोटेट करता है, वो 58 डेज में रोटेट करता है। यानी टोटल 58 डेज। और ये अपने कक्ष पे तेज घूमने के कारण ही इस ग्रह को संदेशवाहक ग्रह भी कहते हैं और सबसे कम समय में सूर्य की ओर के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगर प्लेनेट की डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी लगभग पृथ्वी के बराबर है। पृथ्वी की 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और अपने बुध ग्रह की 5.4 प्रति ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.1 का ही डिफरेंस है, यानी इनका घनत्व दोनों का लगभग बराबर है। बुध ग्रह अपने एक्स पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है जैसा कि हमारी पृथ्वी घूमती है। और सूर्य से औसत दूरी की बात करें तो इसकी औसत दूरी है 58 मिलियन किलोमीटर, क्योंकि सबसे नजदीक का है तो 58 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। इसका कोर जो है हम देखते हैं पृथ्वी में, कोर, मेंटल और सबसे बाहरी पार्ट क्रस्ट। तो जो इसका कोर है वो पृथ्वी से बड़ा है, लेकिन पृथ्वी का कोर सघन है, वो आपस में उसके जो कण है वो बहुत ही आपस में मिले हुए हैं, लेकिन इसका जो कोर है वो विरल है, बहुत ज्यादा दूरी में फैला हुआ है। क्योंकि इसके कोर का आयतन जो है कुल आयतन का 42% घेरता है जबकि पृथ्वी का 17% घेरता है। यानी पृथ्वी का अगर 100% माने तो कोर 17% आयतन में ही है और इसका 42%। यही कारण है कि इसका कोर बड़ा होने के बावजूद भी इसकी डेंसिटी कम है और इसी कारण इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी से कम है, चुंबकीय आकर्षण भी पृथ्वी से कम है। अभी तक दो अंतरिक्ष यान बुध ग्रह पे नासा द्वारा भेजे गए हैं, जिसमें मेरिनर 10 और मैसेंजर, ये दो हैं जो नासा द्वारा भेजे गए हैं। मेरिनर 10 को 1974 और 1975 के मध्य तीन बार बुध की यात्रा करवा दी गई है और जो मैसेंजर है वो 2004 में भेजा गया और 2011 में इसने बुध की परिक्रमा की। ये जो बुध ग्रह है इसकी परिक्रमा की मैसेंजर यान ने। बुध की कक्षा सभी ग्रहों से सर्वाधिक चपटी है। यानी जिस कक्षा में बुध चक्कर लगाता है ये बाकी ग्रहों से चपटी है। यानी जो इसका घूमने का जो पथ है वो
वर्ताकार सबका रहता है, किसी का परवलयाकार रहता है, तो इसमें जिसका पाथ पूर्ण रूप से वर्ताकार है तो ई बोलते हैं उसको, उस वैल्यू को ई बोलते हैं, और उसको ई बराबर जीरो होगा। तो अगर ई बराबर जीरो मान है तो जो पथ है वो पूरा वलयाकार रहेगा, यानी वर्ताकार रहेगा। अगर जीरो से ई बड़ा है और एक से छोटा है तो जो पथ है वो अंडाकार हो जाएगा, और ई का मान अगर एक के बराबर है तो परवलयाकार रहेगा, और ई अगर एक से बड़ा है तो उसका मान अति परवलयाकार रहेगा। बुध ग्रह या शुक्र ग्रह और शनि के टाइटन ग्रह से भी छोटा ग्रह है। इसका कोर अगर हम बात करते हैं आगे बुध के आंतरिक भाग की, तो ये बुध का यहाँ आंतरिक भाग शो किया गया है, जो इसका कोर है ये देखो, देखिए सॉलिड इनर कोर जिसका डायमीटर 1400 किलोमीटर है, ये सॉलिड इनर कोर है। उसके बाद में मोल्टन आउटर कोर 1325 किलोमीटर, उसके बाद में सॉलिड एंटीक्रस्ट 100 किलोमीटर, रॉकी मेंटल 600 किलोमीटर और सॉलिड क्रस्ट 35-54 किलोमीटर, ये इसकी आंतरिक संरचना है। और बुध जो है तकरीबन 70% धातु और 30% सिलिकेट पदार्थों से बना हुआ है। बुध की कक्षा चूंकि पृथ्वी की कक्षा के भीतर है, अतः पृथ्वी के आसमान में सुबह में या शाम में दिखाई दे सकता है, परंतु अर्धरात्रि में ये ग्रह दिखाई नहीं देता। जो बुध है उसकी जो सतह है इस पे जो एयर प्रेशर है वो नाम मात्र का एयर प्रेशर है। अगर बुध की सतह पे कोई आदमी बैठा है और इससे दूर जाना चाहता है तो उसको 4.25 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से यहाँ से जाना पड़ेगा, यानी ये इसका प्लाइन वेग है। और इसका विषुवतरेखीय घूर्णन, अगर ये यहाँ से इसकी घूर्णन की बात करें तो 10.892 किलोमीटर पर आवर इसका घूर्णन है। और एक्सियल टिल्ट की बात करें तो ये 7 डिग्री झुका हुआ है अपने एक्स पे, पृथ्वी की एक्स के सापेक्ष। और यदि सभी ग्रहों की तुलना में सर्वाधिक तापमान क्योंकि बुध ग्रह का है इसलिए इसको जो है तप्त ग्रह के सबसे भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। वैसे तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह मानते हैं शुक्र ग्रह को, लेकिन अगर टेम्परेचर के उतार चढ़ाव की बात करें तो मरकरी जो है सबसे ज्यादा इसमें टेम्परेचर का उतार चढ़ाव होता है। इसमें रात में जो है -173 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चला जाता है और दिन में वही बढ़ के 4-7 टेम्परेचर हो जाता है, 4-7 डिग्री सेंटीग्रेड इतना टेम्परेचर इसमें हो जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं वेरिएशन, यानी कहाँ -73 और यहाँ 4-7 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इनमें जो गैप है ये बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ये तापमान का उतार चढ़ाव यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। बुध पर 5 घाटियों का नामकरण किया गया है, वो उनको ग्रह प्रणाली नामकरण के तहत इनका नाम किया गया है। तो इनमें पहली घाटी है एंगकोर घाटी, दूसरी केहोइया घाटी, तीसरी केरल घाटी, चौथी पाइस्टम घाटी, पांचवी टिमगेट घाटी। क्योंकि जैसे जैसे इसके सतह का निरीक्षण किया गया मेरिनर 10 और मैसेंजर द्वारा फोटो ली गई, तो इनमें जो जो घाटियां मिली उनका नामकरण किया गया है। और जो बुध हमारा ग्रह है इसका नामकरण रोमन देवता मरकरी के नाम पे ही इसका नाम मरकरी रखा गया, जिसका अर्थ होता है मैसेंजर ऑफ गॉड, यानी भगवान का संदेश वाहक। और बुध रोमन मिथकों के अनुसार व्यापार यात्रा चौर्य कर्म का देवता ये मरकरी कहलाता है। बुध को सूर्योदय और सूर्यास्त का तारा भी कहा जाता है, और बुध पर चंद्रमा के समान कलाएं दिखाई देती है। बुध का अपना चुंबकीय क्षेत्र है क्योंकि इसमें अंदर में कोर पाया जाता है और कोर जो है कंटिन्यूसली इसका घूमता रहता है, जो पृथ्वी के कोर की डेंसिटी के से थोड़ा कम है, परंतु पृथ्वी का डेंसिटी और इसका डेंसिटी लगभग एक समान है। पृथ्वी से ये 1.1% इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है अधिक शक्तिशाली है। तो ये
सारी इन्फॉर्मेशन थी मरकरी के बारे में। नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा विनस के बारे में। और वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू, धन्यवाद।